आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक असमौली के गांव हरथला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 55 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 2400 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान ओंकार सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान ओंकार सिंह और सचिव देवेंद्र सिंह के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय आज हम यहां मौजूद हैं ब्लॉक असमौली के हरथला ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से लॉकडाउन के चलते यहाँ लोगों की मदद की गई है, क्या कोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, इस सब के बारे में हम यहां जानकारी लेंगे प्रधान प्रतिनिधि से। तो आइए बात करते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। कुलदीप जी, जैसे कि 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरी तरह लगभग समाप्ति की ओर है जी, अब तक के बीते समय में क्या क्या विकास कार्य ग्राम पंचायत में हुए हैं? अब तक के बीते जो समय है ग्राम पंचायत में, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर काम हो चुके हैं, क्योंकि पैसा ही काफ़ी मिला है ग्राम पंचायतों के लिए, तो उस हिसाब से काफ़ी काम हो चुके हैं। हमारे यहाँ पहले से ही अम्बेडकर ग्राम पंचायत रह चुकी थी, उसका भी बहुत सहयोग मिला है, और बाकी जो 5 साल में पैसा मिला है उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे रास्ते गांव में क्या सभी पक्के हो चुके हैं, अभी भी कच्चे रास्ते? नहीं, अभी हमारे यहाँ कोई भी रास्ता कच्चा नहीं है, सब टोटल रास्ते पक्के हैं, और पहले कुछ सीसी थी, अब बाकी इंटरलॉकिंग का काम ज़्यादातर रास्तों पर करा चुके हैं। अब करा चुके हैं। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? नहीं, आवास जो इंदिरा आवास मिले थे जिस समय प्रधानी आई थी उसी समय 13 आवास मिले थे, उसके बाद अभी तक कोई आवास नहीं मिला। तो कितने परिवार यहाँ अभी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? इस जैसे इस समय माहौल चल रहा है तो इस समय कम से कम 30-40 आवास लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें आवास मिलने चाहिए। उसके लिए आपने कोशिश? हाँ, जो अभी सूची बनी है उनमें उनके नाम गए हुए हैं। जी जी जी। जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो आपकी ग्राम पंचायत में इन सभी योजनाओं का लाभ कितने परसेंट लोग ले पाते हैं पूरी तरह से? जो हमारे यहाँ उज्ज्वला वाली जो है प्रधानमंत्री की, उसमें तो मैं मानता हूँ कि हमारे गाँव में 60% जो महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें उसका लाभ मिला है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर इसका लाभ मिला है। और किसान सम्मान निधि भी जो भी लोग हैं सभी किसानों की आ रही है, लगभग हाँ सभी की आ रही है। 2-4 ऐसे हैं जिनके खाते में कोई दिक्कत है, बाकी सभी लोगों को मिल रही है जी। हाँ, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है, हमारी तरफ से भी ठीक है, और जो सफाई कर्मी है वो भी ठीक है, सिंगल सफाई कर्मी लगे कर आप अपने स्तर पर। हाँ, साफ सफाई का इंतजाम कर ग्राम पंचायत के स्तर से भी सफाई की जाती है और लगाई भी जाती है, आदमी भी लगाए जाते हैं जी जी। पानी पीने का जो पानी है उसकी कोई समस्या यहाँ पर, जैसे कि कई जगह पर देखा गया कि पानी पीने का जो है शुद्ध नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए ओवरहैंड टैंक की जो है जरूरत पड़ती है वहाँ पर? नहीं, तो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे ग्राम पंचायत में हैंडपम्प है सभी का पानी पीने लायक है, किसी का भी पानी गंदा नहीं है, सब अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कोई भी इस समय नल ना ही खराब है और ना ही रिवोरी हो गए हैं, टोटल काम सही तरह। सोलर लाइट नहीं लगवाई गई है, शुरू में जिस साल बने थे उसी साल लगवाई थी, 6-7 लाइट। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम? मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में बाउंड्री वाल का काम कराया गया है, और इंटरलॉकिंग जो सीसी टाइल्स का उसका काम कराया गया, शौचालय थे वो जो जिनमें यूनिट नहीं थी उनमें यूनिट भी बनवाई गई है, बाकी जो पुराने शौचालय थे उनकी मरम्मत भी की गई है। बहरहाल कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा है जो रहने जो भी असुविधा वहाँ पर सबसे पहले रही होगी वो आपने सबके लिए जी समय समय पर जाकर देखते हैं स्कूल में कि जो है वहाँ शिक्षा का स्तर ठीक है कि नहीं, या कहीं कोई जरूरत ऐसा लगता है कि आपकी जरूरत वहाँ पर महसूस होती है तो जाते हैं आप? बिल्कुल जी, जाते हैं, और ऐसा मानिए कि जब भी समय मिलता है स्कूलों के लिए समय दिया जाता है और जाते हैं, जो भी उनकी समस्याएं होते हैं उनको सुनते हैं और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं जी। अब अपने गांव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? गांव के लिए सुंदर बनाने के लिए थोड़ा, जैसा इस समय स्थिति चल रही है कोरोना वायरस के तहत,
तो इस समय थोड़ी दिक्कत है, बाकी सरकार से यही है कि थोड़ा बहुत पैसा और मिला तो थोड़ा काम और हो जाए ग्राम पंचायतों में। सरकारी बिल्डिंग में जैसे स्कूल के अलावा यहाँ बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? हाँ, हमारे यहाँ पंचायत घर भी बना हुआ है और बारात घर भी है और अम्बेडकर पार्क भी है जी। हाँ, अस्पताल इस समय नहीं है जी। कितनी दूर यहाँ से अस्पताल है? अस्पताल असमोली जो शहर पड़ता है वहाँ अस्पताल। तो कभी कोशिश नहीं की आपने कि यहाँ पर अस्पताल या सामुदायिक केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बनवाया जाए आसपास? ये क्या कहते हैं, असमोली ज़्यादा दूर नहीं पड़ती है इसलिए इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है जी। 102 जो अपनी एम्बुलेंस है उसकी सुविधा बहुत बढ़िया है जी। जैसे कि आप एक युवा पीढ़ी से हैं, पूरा कारभार आपके कंधों पर है और काफ़ी अच्छे से जिम्मेदारी आप यहाँ निभाते हुए लग रहा है हमें, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की विचारधारा आगे आने वाले समय में, हालांकि चुनाव बिल्कुल ये कहिएगा कि आने ही को है, ये कार्यकाल समाप्ति है पूरा, तो क्या कोशिशें आपकी हैं या क्या विचारधारा आपकी रहेगी आगे आने वाले समय में अपने ग्राम प्रधान को लेकर के? जो भी ग्राम प्रधान आने वाले समय में बने वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी उठा सके और ग्राम पंचायत का काम देख सके ठीक से, और थोड़ा अच्छा होना चाहिए जो जी, समाज में थोड़ा ठीक। एक आपको क्या लगता है कि एक युवा पीढ़ी से जो उभरते हुए नेता कहिए या प्रधान पद पर कहिए, जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं, तो क्या लगता है आपको उनकी? हाँ, उन्हें आना चाहिए, आगे आना चाहिए और ग्राम पंचायत में भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि युवा लोग आएंगे तो काम अच्छा होगा, सोच कुछ अच्छी होगी, तो सोच अच्छी होगी तो स्वाभाविक है ग्राम पंचायत का विकास भी अच्छा होगा। हाँ। जी, पर जैसे कि यहाँ पर कोरोना काल चल ही रहा है लेकिन अनलॉक भी हो चुका है, लोग धीरे धीरे अपनी गतिविधियों में आ भी चुके हैं, रूटीन में सब लोग चल रहे हैं इस वक्त, उसको लेकर के अपने गाँववासियों को कुछ जागरूकता संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हमारा पूरे ग्रामवासी से यही संदेश है कि अपने आप को स्वस्थ रखें और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत अपना पालन करें, बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने देखा प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इस बीते कार्यकाल में यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, रास्तों से लगभग कहा जाए तो ये पूरी तरह से गाँव पूरी तरह से पक्का हो चुका है। आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं लेकिन अभी भी लगभग 30 से 40 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, जिसके लिए यहाँ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने काफी मुख्य रूप से मांग रखी है और उनका मानना है कि सरकार की तरफ से यदि और ज्यादा धनराशि उपलब्ध होती है और सरकार की मदद मिलती है तो इस गाँव को वह पूरी तरह से विकास की चरम सीमा पर ले जाने का इरादा रखते हैं, और उनका मानना भी है और जनता भी जो है काफ़ी चाहती है कि युवा पीढ़ी से यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान यहाँ है, कारभार इनके जिम्मे पर है, इनके कंधों पर है, काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी ये निभा भी रहे हैं। अशरफ अली के साथ में नाज़रीन, टुडे 24।